तो गाइस आपने मेरा वो वीडियो जरूर देखे होंगे जिसके अंदर मैंने ये कीबोर्ड का जो कवर लाया था इसकी मैंने अनबॉक्सिंग किया था और इसके बारे में आपको मैं बहुत कुछ बताया था। इसी के साथ में मैं एक और चीज मंगाया था इसी लैपटॉप के लिए, वो है ये है लैपटॉप का स्टैंड, ज़ेब्रोनिक कंपनी का है। अगर आप लैपटॉप बाय करते हो तो आपके पास ये सारी चीजें तो होनी ही चाहिए, एटलीस्ट ये दो चीज तो होनी ही चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है हर एक लैपटॉप यूजर्स के लिए, क्यों कैसे वो सारी चीज मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो गाइस इस वीडियो में आप एंड तक बने रहे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये मैंने मंगाया है लैपटॉप स्टैंड ज़ेब्रोनिक कंपनी की NS1500, ये इसका मॉडल नंबर है। बिल्ड क्वालिटी जबरदस्त है, 7 लेवल तक इसकी हाइट एडजस्टमेंट है। यहाँ पे आपको एक रबर पैड मिल रहा है, ये स्लिप ना हो इसलिए यहाँ पे लगा हुआ है, इस पे लगा हुआ है और यहाँ पे भी लगा हुआ है। ये है लैपटॉप के फ्रंट साइड के लिए, ये है बैक साइड के लिए जो आप टेबल पे ऐसा रखेंगे। तो इसको हम खोलते हैं इस तरीके से। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा हिंजिस यूज किया है यहाँ पे। अब इसकी मटेरियल की बात करूं तो ये मटेरियल जो है ये मेटल नहीं है, ये प्लास्टिक है, यानी कि ये फाइबर मिक्स प्लास्टिक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से इतना इसको एक्सपांड कर सकते हैं। एक्सपांड करने के बाद मैं आपको बता दूं कि ये इस तरीके से यहाँ पे ऐसा खुल जाता है और यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये इसके अंदर अटैच होगा। जिस भी हाइट का आपको रिक्वायर्ड है उस हाइट पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये लैपटॉप का स्टैंड तैयार हो गया है। अब हम इस पे लैपटॉप रख के देख लेते हैं। तो गाइस देख सकते हैं कि इस तरीके से इसका अलाइनमेंट रहेगा जब आप इसको यहाँ पे इसमें फिट कर देते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी वर्क कर सकते हैं। ये जो डिस्प्ले रहेगा वो आपके आई लेवल पे आएगा, यानी कि आपको झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको देखने के लिए, स्क्रीन को देखने के लिए। आप बिल्कुल स्ट्रेट फोकस करके भी आप लैपटॉप पे काम कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये एक्सटर्नल कीबोर्ड अगर आप ले लेते हैं तो सबसे बेस्ट है आपके लिए, बिल्कुल आपको डेस्कटॉप जैसी फीलिंग आएगी। ये आपको इस हाइट पे आ गया और आप जहां बैठे हैं यहाँ पे आपने इस डेस्कटॉप को, इस कीबोर्ड को रख लिए, यहाँ से आप काम कर सकते हैं। इसको अभी नीचे रख देता हूँ। इसके अंदर आप लेवल सेट कर सकते हैं कि आपको कितने लेवल तक का चाहिए। यहाँ से अगर आप इसको इतना ऊपर कर देते हैं तो यहाँ पे भी आप इसको लगाएंगे तो अच्छी तरीके से ये फिट बैठ जाता है। जितनी भी इंक्लिनेशन हो कोई भी डर नहीं है, गिरेगा नहीं लैपटॉप। हाँ अगर आप गलती से अगर आपका हाथ लग गया कहीं पे तो गिर सकता है। ये मेरा जो लैपटॉप है ये 17.3 इंच का लैपटॉप है, तो ये इसके साइज के हिसाब से थोड़ा सा ये ज्यादा लग रहा है लैपटॉप। अगर ये इसकी जो साइज है और एक्सपांड होता तो इसको और स्टेबिलिटी मिलती और अच्छे से ये रह पाता, लेकिन फिर भी ये अच्छे तरीके से एडजस्ट है। हाँ अगर एक्सटर्नली कुछ चीज अगर लग गई इसके ऊपर तो गिर सकता है ये। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इसको और मैंने हाइट कर लिया जिसके अपने अपने हिसाब से, यूज करने के हिसाब से इस तरीके से आप इसको माउंट कर सकते हैं। तो ये जो मैंने अमेजोन से परचेस किया है सिर्फ 300 में परचेस किया है, सिर्फ ये 300 का है ये। अगर आपको ये चीज लेना है, ये पसंद आया होगा तो इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके इस स्टैंड को आप बाय कर सकते हैं। आपको मैं बताता हूँ कि इसके अंदर जो बेनिफिट है वो ये है इस एयर वेंट का, यानी कि आप देखेंगे किसी भी लैपटॉप में इसका जो हीट जो ट्रांसफर होता है वो बैक साइड से होता है, गेमिंग में साइड से होता है। क्या होता है कि जब हम इसको फ्लैट सरफेस पे रखते हैं तो इसके अंदर जो सरफेस का, ये जो लैपटॉप का जो गैप होता है वो काफी कम होता है, जो कूलिंग सिस्टम है ये अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाता है। तो ये अगर इस स्टैंड पे रख के अगर आप वर्क करते हैं तो इसका वेंटिलेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा क्योंकि पीछे से पूरा खाली है। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे और आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे।